बड़ी खबर, जौनपुर जिले से ग्राम प्रधान ने सरकारी धन को बैंक खाते से उड़ाया। आपको बता दें, पूरा मामला मड़ियाव तहसील अंतर्गत महम्मदपुर ग्राम सभा का बताया जा रहा है। आपको बता दें, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर दिनांक 13 फरवरी 2024 को जौनपुर के पूर्व जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मार्तंड ने ग्राम प्रधान इंद्र बहादुर यादव के सारे प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार पर रोक लगाते हुए ग्राम निधि संबंधित सभी खातों पर रोक लगा दिया गया था और ग्राम पंचायत अधिकारी अंजलि श्रीवास्तव को 13 अगस्त 2024 को निलंबित कर दिया था। आपको बता दें, महम्मदपुर के ग्राम प्रधान के सारे वित्तीय कार्यों को जिलाधिकारी के द्वारा रोक लगाने के बावजूद भी प्रधान ने कंपोजिट विद्यालय महम्मदपुर, प्राइमरी विद्यालय सलेमपुर से चेक के माध्यम से तकरीबन 34,954 रुपये का गमन कर दिया। बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां उच्च न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के सारे वित्तीय कार्यों पर रोक लगाया था, तो किसकी मिली भगत से 34,954 रुपये निकाले गए। आपको बता दें, इसके खिलाफ जब पुनः समाज सेवी कृपा शंकर यादव ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया तो उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 अक्टूबर 2024 को जिलाधिकारी जौनपुर दिनेश चंद्र, मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर, जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी बरसठी व खंड विकास अधिकारी बरसठी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 13 दिसंबर 2024 तक जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन ग्राम प्रधान के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। आइए चलते दिखाते हैं खास रिपोर्ट।